दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप सर्च करना चाहते हो फोटो के थ्रू इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल किसी की भी, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस यहाँ पर देखिए मैं इंस्टाग्राम ओपन कर रहा हूँ। सो इंस्टाग्राम ओपन करने पर देखिए ये वाला जो पिक्चर है इसको हम सर्च बाय इमेज करेंगे, मतलब कि इसको इमेज के थ्रू सर्च करेंगे। तो पहले मैं इसके स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। सो यहाँ पर आप देखिए फर्स्टली हम यहाँ पर सर्च करते हैं तो हमको ऑप्शन नहीं आता है इमेज का सर्च करने का। सो गाइस इंस्टाग्राम ने ऑफिशियली ऑप्शन नहीं दिया है इमेज के थ्रू सर्च करने का, बिकॉज इंस्टाग्राम पे डेली बहुत ज़्यादा अमाउंट पर इमेज अपलोड होती है जिसका मेटा डेटा स्टोर करना और सबका सर्च बाय में लेकर आना इंस्टाग्राम के बस की बात नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि इंस्टाग्राम पे कभी भी ऐसा ऑप्शन आएगा। बट यहाँ पर आप गूगल सर्च के थ्रू इजीली किसी की भी इमेज के थ्रू सर्च कर सकते हो, लेकिन वो इंसान पॉपुलर होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पर क्या है, उनका अकाउंट वेरीफाइड होना चाहिए। फर्स्टली यहाँ पर ऐसा है कि बहुत सारे लोग जिनका अकाउंट वेरीफाइड भी नहीं है वो फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं, और सभी लोग फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं, आप भी करते होंगे, तो ऐसे नहीं है कि आपका फ़ोटो सर्च हो जाए। बिकॉज मैंने आपको बताया कि इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ़ोटोज़ अपलोड होते हैं, इसलिए इंस्टाग्राम उसको मेटा डेटा को नहीं स्टोर करके रख सकता है और ऐसा फीचर नहीं ला सकता है जिससे कि इमेज के थ्रू सर्च हो जाए। बट यहाँ पर देखिए गूगल पे आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिससे कि आपको इंस्टाग्राम का प्रोफाइल भी पता चल जाएगी कि पर्सन की क्या प्रोफाइल है। सो यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर गूगल पे गूगल लिखना है और आपको गूगल के होम पेज पर आ जाना है। सो यहाँ पर देखिए आप सर्च कर सकते हो किसी भी पॉपुलर पर्सन, मतलब कि इतना ही नहीं, अब जैसे कि ये वाली गर्ल है, ये इनको आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे, बट इनको अभी हम सर्च करने वाले हैं। सो देखिए मेरे पास पिक्चर है एंड यहाँ पर हम डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देना है थ्री डॉट्स पर क्लिक करके। सो फिर आपका ऐसा होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको इमेज इस पर क्लिक करना है। सो यहाँ पर देखिए गूगल सर्च इंजन पे आपको ये सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको एक कैमरे का आइकॉन बना हुआ है, आपको उस पर क्लिक करना है। अपलोड एन इमेज पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको चूज़ फाइल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और फाइल्स में चले जाना है। यहाँ पर अब हम इसी इमेज को सर्च करने वाले हैं और इनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल नेम पता करने वाले हैं जिससे कि हम इनको इंस्टाग्राम पे सर्च कर पाएँ। तो यहाँ पर देखिए हमने इमेज के थ्रू सर्च कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हो फोटोशूट, यहाँ पर नाम नहीं आया, लेकिन अब जब आप नीचे जाओगे तो ये वाली जो पिक्चर है जिन जिन साइट्स पर अपलोड है वो आपको दिखेगी। सो यहाँ पर देखिए इंस्टाग्राम की भी लिस्ट आती है। यहाँ पर अब आप देख सकते हो वैष्णवी राव अंडर स्कोर राव फाइव। सो यहाँ पर देखिए हमको पता चल गया है कि इनकी प्रोफाइल का नेम क्या है। अब आप इजीली इस प्रोफाइल के नेम को लिखकर इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हो। सो यहाँ पर देखिए हम सर्च करते हैं वैष्णवी_राव5। ये देखिए इनकी प्रोफाइल आ चुकी है। अब आप उस इमेज को सर्च कर लीजिए जिससे कि आपने सर्च किया था इनकी प्रोफाइल। सो आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ये देखिए यही गर्ल थी, ये देखिए इनकी वाली पिक्चर यहाँ पर अपलोडेड है जो कि आपको गूगल पे मिल गई थी, ये देख सकते हो आप। सो सिंपली आप इनको फॉलो कर सकते हो आप इमेज के थ्रू अगर सर्च करते हो किसी को तो। एंड यहाँ पर देखिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो बिकॉज इंस्टाग्राम से रिलेटेड आपको डेली ट्रिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती है जो कि आपने कभी देखी ना होगी। सो यहाँ पर देखिए आपको सर्च बाय इमेज का बहुत ही सिंपल सा वे बता दिया मैंने। काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड हैं यूट्यूब पर, बट आपको किसी ने भी ऐसा तरीका नहीं बताया होगा। सो आप चेक कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज डेली इंस्टाग्राम से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।